हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज़मुद्दीन मंसूरी। आप लोगों के इंतजार की घड़ी खत्म हुई। अपने दिलों को थाम के रखें, अपने दिलों की धड़कनों को काबू में रखें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आर्ट क्लब ऑर्गेनाइज ऑनलाइन सेल्फ पोर्ट्रेट कॉम्पिटिशन। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेट एंड थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर एवरी पार्टिसिपेट। आर्ट क्लब द्वारा आयोजित ऑनलाइन सेल्फ पोर्ट्रेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई हो हर प्रतिभागी को जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आर्ट क्लब की जूली ने इसमें इस कॉम्पिटिशन को तीन पार्टों में बांटा है। पहला पार्ट है इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड अवार्ड, और इसका दूसरा पार्ट है जो कि स्पेशल अवार्ड है, और इसका तीसरा अवार्ड है जो कि मेडल अवार्ड है। और ये अवार्ड सारे ई अवार्ड हैं। चलिए आपको मेडल अवार्ड दिखाते हैं। गाइस, जजमेंट शीट हम तक पहुंच चुकी है, जो कि मिस्टर हरिमोहन जी जो कि लखनऊ से हैं, और मिस्टर प्रिंस चांद जी जो कि दिल्ली से हैं, उन्होंने हमें साइन करके अपनी जजमेंट शीट भेज दी है कि कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड है। उन्होंने सब कुछ हमें बता दिया है। गाइस, बरेली की एक आर्टिस्ट से शुरुआत करते हैं जो कि बरेली की हैं, दीपिका पाठक। उनको ये मेडल अवार्ड मिला है। और दूसरी आर्टिस्ट मंद्रा ग्यायन हैं, जिनको दूसरा मेडल अवार्ड मिला है। सेकंड मेडल अवार्ड मिला है मंद्रा ग्यायन, ये दिल्ली की हैं। और तीसरी आर्टिस्ट रीना शर्मा जो कि असम की हैं, देखिए देख रहे हैं आप। और चौथे आर्टिस्ट जो है नौशाद अंसारी शाहजहानपुर के हैं, देखिए ये देखिए उनका। और पांचवी आर्टिस्ट वासु रवि जो कि काठगोदाम के हैं, आप देख रहे हैं। और छठे पलक अग्रवाल जो कि बरेली की हैं, इनको भी मेडल मिला है। और खान आतिया रफी जो कि बिजनौर से हैं, इन्हें भी मेडल अवार्ड से सम्मानित किया है। इनका भी काफ़ी अच्छा वर्क था। और विश्वजीत देवनाथ जो कि आसाम से हैं, इनका भी अच्छा पोर्ट्रेट था, इनको भी मेडल अवार्ड मिला है। और उषा चौरसिया जो कि बनारस से हैं, उनका ये देख रहे हैं आप, इन्हें भी मेडल अवार्ड से सम्मानित किया है। और राज गौतम जो कि आगरा से हैं, इन्हें भी मेडल अवार्ड दिया है। और रेखा कुमारी जो कि गाजियाबाद से हैं, इन्हें भी मेडल अवार्ड से सम्मानित किया है। और कमलेश कुमार जो कि दिल्ली से हैं, इन्हें भी मेडल अवार्ड से सम्मानित किया है। ऊषा धनकार हरियाणा की हैं, ये भी इन्हें भी मेडल अवार्ड से सम्मानित। निष्ठा राठौर जो कि शाहजहानपुर से हैं, आप देख रहे हैं, इनका भी काफ़ी अच्छा वर्क था, इन्हें भी मेडल अवार्ड से सम्मानित किया है। प्रगति प्रजापति, ये भी शाहजहानपुर की हैं, इन्हें भी मेडल अवार्ड मिला है। और अनीता राठौर, ये भी शाहजहानपुर की हैं, इन्हें भी मेडल अवार्ड से सम्मानित किया है। अरित्रा साहा कोलकाता के हैं, इन्हें भी मेडल अवार्ड मिला है। प्राची वर्मा जो कि बदायूं की है, इनका भी काफ़ी अच्छा वर्क था, इन्हें भी मेडल अवार्ड मिला है। सरिता राठौर जो कि शाहजहानपुर के हैं, इन्हें भी मेडल अवार्ड से सम्मानित किया है। किरण बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, इन्हें भी मेडल अवार्ड मिला है, इनका भी काफ़ी अच्छा वर्क था। निदा मंसूरी जो कि बरेली की हैं, इनका भी काफ़ी अच्छा वर्क था, काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट था, इनको भी मेडल अवार्ड से सम्मानित किया है। और अबीरा बनर्जी जो कि कोलकाता से हैं, इन्हें भी मेडल अवार्ड से सम्मानित किया है, इनका भी काफ़ी अच्छा वर्क था। और मोतुशी पॉल जो कि कोलकाता की हैं, इन्हें भी मेडल अवार्ड से सम्मानित किया है, इनका भी बहुत बढ़िया वर्क था। और शिवम जो कि दिल्ली से हैं, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट बना के भेजा था, इन्हें भी मेडल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और सर्वेश कुमार वर्मा जो कि जम्मू एंड कश्मीर से हैं, इनका भी काफ़ी अच्छा वर्क था, इन्हें भी मेडल अवार्ड से सम्मानित किया है। और सुजाता अग्रवाल जो कि दिल्ली से हैं, इन्हें भी मेडल अवार्ड से सम्मानित किया था। और आखिरी आर्टिस्ट लास्ट मेडल अवार्ड जाता है हमारे चित्रकार एन मंसूरी को, जिनका बहुत बढ़िया पोर्ट्रेट था, इनको भी मेडल अवार्ड से सम्मानित किया था। गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आर्ट क्लब ने इस कॉम्पिटिशन को तीन पार्टों में बांटा था, तो अब आपको लेके चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। देखते हैं आर्ट क्लब ने किस किस लोगों को स्पेशल अवार्ड दिया है।
गाइस इसमें पहला नाम जो है प्रियंका सिंह का है, जिन्हें स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया है। ये हैदराबाद से हैं, इनका काफ़ी अच्छा वक्त था इसलिए आर्ट क्लब ने इन्हें स्पेशल अवार्ड दिया है। और दूसरे आर्टिस्ट हैं वीरेंद्र कुमार जो कि फरीदाबाद से हैं, इनका भी काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट था। और तीसरे आर्टिस्ट हमारे लीडिया बैटरी स्टॉपर जो कि अर्जेंटीना से हैं, इनका भी काफ़ी अच्छा वर्क था। ये आर्ट क्लब के ऑनलाइन सेल्फ पोर्ट्रेट कंपटीशन में भारत से बाहर की एंट्री आई थी। और चौथी एंट्री हमारी प्रियंका बोरस्ट जो कि नासिक से हैं, और इनका भी काफ़ी अच्छा वर्क था, इन्हें आर्ट क्लब ने स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया है। और पांचवी आर्टिस्ट हमारी डॉक्टर जया प्रिया जो कि चेन्नई से हैं, इन्हें भी आर्ट क्लब ने स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया है। और छठे आर्टिस्ट हमारी बरेली की हैं जो कि हुमैरा मंसूरी जो कि बरेली से हैं। आर्ट क्लब के जजेस जैसा कि आप जानते हैं मिस्टर प्रिंस चांद जी और मिस्टर हरिमोहन जी जो कि लखनऊ और दिल्ली से हैं, इन्होंने इनके वर्क पर इनके पोर्ट्रेट पर कमेंट किया था, इनका ग्रेट वर्क था, इन्हें भी स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और अनुपम दास जो कि आसाम से हैं, इनके भी वर्क पर आर्ट क्लब के जजेस ने कमेंट किया था, इन्हें भी स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और आर्टिस्ट मनोज सीका जो कि ओडिशा के हैं, इन्होंने अपना पेन पोर्ट्रेट बनाया था, इस वजह से इनको स्पेशल अवार्ड दिया जाता है। और सतीश केमशेट्टी, इनका भी काफ़ी अच्छा वर्क था इसलिए आर्ट क्लब ने इनको भी स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया है। और सतीश अरुमुगम जो कि आप जानते हैं, इनका बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रेट बना था इसलिए आर्ट क्लब ने इनको भी स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया है। और धीरज चौहान जो कि देवरिया से हैं, इन्हें भी आर्ट क्लब ने स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया है। और मनीषा शर्मा जो कि दिल्ली से हैं, इनका भी काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट था, इन्हें भी आर्ट क्लब ने इन्हें भी स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया है। और श्रोमणी शर्मा, इनका भी काफ़ी अच्छा वर्क था, ये निगोही की हैं, इन्हें भी आर्ट क्लब ने स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया है। और रूपम गंगवार जो कि दिल्ली से हैं, इनको भी आर्ट क्लब ने स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया है, इनके भी वर्क पर हमारे जजेस ने कमेंट करा था और इन्हें भी स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। बबीता वर्मा जो कि शाहजहानपुर से हैं, इनका भी काफ़ी अच्छा वर्क था, इन्हें भी आर्ट क्लब ने स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया है। और नाहिद अख्तर जो कि बरेली से हैं, इनको भी आर्ट क्लब ने स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया है। और प्रिया सिंह जो कि ये भी बरेली से हैं, इन्हें भी आर्ट क्लब ने स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया है। और हमारा लास्ट अवार्ड जाता है जो कि बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, नागपुर के आर्टिस्ट हैं ये प्रवीण साजन कुलमेथे, इनको बेस्ट गोल्ड अवार्ड दिया है आर्ट क्लब ने। इनका वर्क सबसे अलग था, सबसे हटके था, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इनका वर्क था, किसी ने भी इस तरीके का वर्क नहीं भेजा, इसलिए लास्ट स्पेशल अवार्ड जाता है हमारे आर्ट क्लब की तरफ से प्रवीण साजन कुलमेते की ओर। आप लोगों के इंतजार की घड़ी खत्म हुई। जैसा कि आप सभी लोग जानते थे आर्ट क्लब ने इस प्रोग्राम को 3 पार्टों में डिवाइड किया था, तीसरा और दूसरा पार्ट हमने आपको बता दिया है। अब चलिए पहला पार्ट बताते हैं, अपने दिलों को थाम लें, दिलों की धड़कनों को रोक लें अपनी। चलिए शुरू करते हैं पहला थर्ड अवार्ड से शुरू करते हैं जो कि जाता है हमारा शाहजहानपुर के अजय कुमार वर्मा की ओर, जिनका वर्क बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही बेहतरीन पोर्ट्रेट था इनका। आर्ट क्लब के जजेस ने मिस्टर प्रिंस चांद जी और मिस्टर हरिमोहन जी ने इन्हें थर्ड अवार्ड से सम्मानित किया है, इनको थर्ड अवार्ड दिया है जो कि शाहजहानपुर से अजय कुमार वर्मा है। दूसरा अवार्ड भी शाहजहानपुर की अंजलि मिश्रा की ओर जाता है, और शाहजहानपुर ने इस कंपटीशन में काफ़ी बाजी मारी है, एक बबीता वर्मा है जिन्होंने स्पेशल अवार्ड मिला है,
ये भी शाहजहानपुर के हैं और सेकंड और थर्ड अवार्ड भी शाहजहानपुर के ही लोगों को मिला है, जो कि अजय कुमार वर्मा को थर्ड मिला है और अंजलि मिश्रा को सेकंड अवार्ड मिला है। चलिए आप जानते हैं फर्स्ट अवार्ड किसको मिला है। गाइस हमारा ये फर्स्ट अवार्ड जाता है जम्मू कश्मीर के अकरम खान की ओर। इन्होंने आर्ट क्लब के ऑनलाइन सेल्फ पोर्ट्रेट कंपटीशन में बाजी मारी है। इन्होंने ये फर्स्ट अवार्ड लेकर जा रहे हैं ऑनलाइन सेल्फ पोर्ट्रेट कंपटीशन से। ये आर्ट क्लब के ऑनलाइन सेल्फ पोर्ट्रेट कंपटीशन के हीरो हैं। इन्होंने बाजी मार दी है, इन्होंने सबको पछाड़ दिया है। और ये अंजलि मिश्रा जो कि शाहजहानपुर के हैं, अजय कुमार वर्मा ये भी शाहजहानपुर के हैं, ये तीनों आर्ट क्लब के इस प्रोग्राम के हीरो हैं। ये तीनों ही नहीं बल्कि और सारे पार्टिसिपेटर भी आर्ट क्लब के हीरो हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। आर्ट क्लब इन सारे पार्टिसिपेटरों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और हमारे आर्ट क्लब से जुड़ने के लिए इस नंबर पर हमें कॉल करें या मैसेज करें, 9837628926 पर मैसेज करके हमें कह सकते हैं या कॉल करके कह सकते हैं। जुड़े रहें, बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।